दरबार है, मैं गलती से तुम्हारे प्लैनेट पर आ गया हूँ। एक पुलिस इंस्पेक्टर मुझे पकड़ना चाहता है और कहता है कि मुझे पकड़ कर किसी साइंटिस्ट को दे देगा, फिर वो मेरा ऑपरेशन करेंगे। डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जॉन है। ए मोटू, उसे छोड़ दो। आप जल्दी से अंदर आ जाइए। फिल्म में जैसे हीरो ने एलियन को बचाया था, मैं भी बिल्कुल वैसे ही आपको बचाऊंगा। मोटू, ये कौन है? कुछ अलग अलग सा दिख रहा है। पतलू, ये एलियन है, इसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, पर मैं इसे बचा कर रहूंगा। चिंगम सर, एलियन यहाँ है, एलियन यहाँ है। ए मोटू, दरवाजा खोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जॉन इधर ही है। जॉन भैया, एलियंस में तो बहुत पावर्स होती है, फिर तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मेरी पावर्स सोने में है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी सुनाता हूँ लोरी। सो जा लिटिल बेबी सो जा। ये सोना नहीं, असली सोना। ए मोटू, दरवाजा खोलो। ओ सॉरी, चलो यहाँ से अभी तो भाग चलते हैं। चलो। ए मोटू रुक जाओ। मोटू, जॉन को मेरे हवाले कर दो। मोटू, तुम्हें चिंगम सर के कानून की कसम, भारत माता की कसम, रुक जाओ। वो दोनों जरूर उस तरफ गए होंगे। गोल्ड गोल्ड लाके दो मुझे, मैं अपनी पावर्स लेकर अपने प्लैनेट पर चला जाऊंगा। क्या तुम मुझे ढेर सारा गोल्ड लाके दे सकते हो? जॉन जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी एनर्जी आपको वापस जरूर दिलवाऊंगा। मोटू रुक जाओ। अरे बाबा, हमारा सोना वापस करो, वापस करो। अरे भैया, कुछ देर के लिए उधार ले रहा हूँ, एक एलियन को बचाना। ये मां चाचा जी, आप ठीक तो हो? किसी के चीखने की आवाज आई, कौन था वो? अरे कोई नहीं बच्चे, बस तो भूत आए थे, हमने उन्हें उल्टे पैर भगा दिया। ये मां भूत, आपने उसको कैसे भगाया? रुको, अभी बताता हूँ। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, डबल गम जब लठ चलावे। अयो मां, चाचा जी मैं समझ गया। तुम्हें मारा तो मारा, लेकिन मुझे भी नहीं छोड़ा। मैं उस लठ को जला दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मोटू कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती पतलू, तुम्हें कुछ सोचो। आइडिया, अब मेरा प्लान सुनो। जो भी रुपया पैसा है निकल कर हमारे सामने रख दो, हम लोग बड़ा ही खतरनाक डाकू है। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। मैं तुम लोगों को पहचान नहीं पाया, क्या गेटअप लिया है तुम लोगों ने? चाचा तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे। चिंगम सर, मेरे भाई, मेरे यार, अब देख के जाओ हम कैसे आपके चाचा को डरा कर यहाँ से भगा देंगे। यारी बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
हाँ? अरे तुम लोग कौन हो? हम लोग डाकू हैं, डाकू। हाँ, सुना है तुमने बहुत माल दबा कर रखा है, आज हम तुम्हें लूटेंगे। पतलू, ये हमारी लस्सी को पीते ही इन लोगों को क्या हो गया? डॉक्टर झटका की कोई भी इन्वेंशन झटके दिए बिना नहीं चल सकती। भागो यहाँ से! ओए बल्ले बल्ले! ओए मोटू, जल्दी से मुझे लस्सी पिला दो, अभी अभी प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ। हम आपको लस्सी नहीं पिला सकते बॉक्सर भैया। ओए, क्या बोला तुमने? जरा फिर से तो बोलो। बॉक्सर भैया, चाहे आप कुछ भी करवा लो, लेकिन हम आपको लस्सी नहीं पिलाएंगे। ओए, ऐसे कैसे नहीं पिलाओगे? लस्सी तो मैं पी कर रहूंगा। आज पूरा फुरफुरी नगर मोटू पतलू को लस्सी की तरह मठ डालेगा और मलाई खाऊंगा मैं। पतलू, अगर बॉक्सर भैया ने लस्सी पी ली तो क्या होगा? मोटू बॉक्सर भैया तो लस्सी गटक चुके हैं। अरे अरे अरे, ये क्या पिला दिया तुम दोनों ने? आए, तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। पतलू, ये लस्सी का प्याऊ तो मुसीबत बन चुका है, अब करे तो क्या करे? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। अरे डॉक्टर झटका को ये लस्सी लेकर वापस करने चलते हैं। मोटू पतलू, अरे तुम दोनों ने तो मुझे लस्सी पिलाई ही नहीं, जल्दी से ठंडी ठंडी लस्सी पिला दो। चिंगम सर, हम आपको लस्सी नहीं पिला सकते। अरे मां, आप पर क्यों नहीं पिला सकते? क्या मशीन में लस्सी खत्म हो गई है? लस्सी है, पर हम आपको नहीं पिला सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे मां, मोटू पतलू, मैंने तुम दोनों को अपना जिगरी दोस्त समझा और तुम दोनों ने मुझे एक लस्सी के लिए पराया बना दिया। पूरी दुनिया को लस्सी पिला रहे हो और मुझे गर्मी में जला रहे हो। चिंगम सर ऐसा मत बोलो, ये लो आपके लिए ठंडी ठंडी लस्सी। मोटू, मोटू रुक जाओ, मोटू रुक जाओ। अयमा, ये क्या हो रहा है? अयमा, मोटू पतलू, तुम दोनों का मुझे लस्सी पिलाने का मन नहीं था तो बोल दिया होता, उसमें कुछ मिला दिया क्या तुम लोगों ने? माइनिंग दिए जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अम्मा, चिंगम सर आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ करते हैं। पतलू, चिंगम सर की हमें हेल्प करनी ही होगी, लेकिन खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, डॉक्टर झटका से मदद मांगते हैं। चिंगम सर, डॉक्टर झटका के यहाँ मिलो अभी। ओए मोटू, मेरे भाई, मेरे बड़े प्यार, ये देखो मेरा बनाया माइंड प्रिंटर, आज इसको टेस्ट करने का सही मौका भी आ गया है यारी। माइंड प्रिंटर, इससे क्या होगा? इसको अपराधी के सिर पर फिट कर देना बस, उसके बाद तुम उससे जो भी सवाल पूछोगे वो उसका जवाब भले दे या ना दे, पर दिमाग में तो जरूर सोचेगा। जैसे ही वो सोचेगा, इस प्रिंटर से उसके सोच के प्रिंट बाहर निकल आएगा यारी। बस फिर उसके बाद तुम लोग जाकर खोजबीन कर लेना। थैंक यू बड़े भैया, हम अभी जाकर जॉन को टोपी पहनाते हैं। नहीं, ये क्या है? मैं इसे नहीं पहनूंगा, मैं इसे नहीं पहनूंगा। जॉन, अब बताओ, पिछले महीने तुम कमलपुर गए थे और वहाँ पर कमलपुर बैंक को लूटा था, लूट का पैसा किधर छुपाया है? जॉन को तोड़ना इतना आसान नहीं है, मैंने लूट का पैसा डेन में बरगद के पेड़ के पीछे गड्ढा खोद कर छुपा दिया है, पर चिंगम मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा।
का रुपया जॉन के डेन में बरगद के पेड़ के पीछे गड्ढा खोदकर छुपा रखा है। कैसे पता चला? कैसे पता चला? ए रबरी, सामान बरामद करो। जॉन आप बताओ, पिछले महीने गंगाराम ज्वेलर्स के यहाँ से लूटा हुआ जेवर तुमने किधर रखा है? समझो लूट का माल मिल गया चिंगम सर। वेल डन चिंगम, वेल डन। आई एम प्राउड ऑफ यू अम्मा। ये सब क्या हो रहा है? मैं तो कुछ बता भी नहीं रहा हूँ, फिर तुम्हें मेरे ठिकाने के बारे में पता कैसे चल जा रहा है? बॉस बॉस, इन लोगों ने डॉक्टर जी। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।